हमने पढ़ा था कल अबाउट द एम्ब्रियो सैक, है ना, ये हमने एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ लिया था। अब इस एम्ब्रियो सैक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसके बारे में हमें पढ़ता होना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे। और जो भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको वो बता देता हूँ। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लू कलर चूज कर लेते हैं, वो यहाँ पर है नहीं। ओके, तो चलाजल एंड, एक तो हमने ये पढ़ा था, है ना, चलाजल एंड, और एक हमने पढ़ा था ये वाला माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, दो एंड्स हमने पढ़े थे। तो चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड, ये जो दो एंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इंपॉर्टेंट है ये हमें पता था कि यहाँ से एंट्री होती है पोलन ट्यूब की। ठीक है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एंट्री होती है। अब लेकिन हर एक का फंक्शन क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा कि चलाजा भी पता होना चाहिए और माइक्रोपाइल भी पता होना चाहिए। अच्छा, चलाजा और माइक्रोपाइल ये दोनों है क्या, बता सकता है कोई? हाँ भाई, चलाजा और माइक्रोपाइल दोनों है क्या? बोलो बोलो सर। माइक्रोपाइल से मतलब ज्यादातर वो पोलन ट्यूब एंटर करती है, बिल्कुल सही, ज्यादातर। हाँ, और चलाजा? और सर चलाजा जो होता है सर, इसका नहीं पता था। चलो कोई बात, एंड पार्ट होता है वो शायद एम्ब्रियो का। कौन सा पार्ट होता है? एंड पार्ट, नीचे का पार्ट। हाँ बिल्कुल, अपोजिट वाला जो पोल होता है दैट इज चलाजल एंड, ये तो हम पता ही है चलाजल एंड होता है। चलो कोई बात नहीं, इसके आगे का पढ़ते हैं। इसके इंडिविजुअल हर एक चीज़ का फंक्शन पढ़ना है अब, तो क्योंकि फंक्शन पढ़ना है तो हम अलग से उसको ड्रॉ कर ही लेते हैं अलग से यहाँ पे। ठीक है, और जब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं तो बहुत छोटा सा डायग्राम, और थोड़ा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये होंगे तीन एंटीपोडल्स। हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना ज़्यादातर, उसमें क्या रहता है कि हम देखेंगे कि एंटीपोडल्स ऊपर की साइड और हम एग नीचे की साइड रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्टडी करनी होती है एग की, हमें एंटीपोडल्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए हम एंटीपोडल्स को ऊपर रखते हैं। ओके, तो ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये एक न्यूक्लियस हो गया, और ये वाला दूसरा न्यूक्लियस हो गया, और दो न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पर। तो एट न्यूक्लेटेड और सेवन सेल्ड स्टेज ये हो गए। ठीक है, अब इसमें ये वाले सेल्स हैं एंटीपोडल्स, ये हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई, और ये वाले हैं सिनर्जिड्स, इसमें ये वाला भी इंक्लूडेड है सिनर्जिड्स, और जो ये वाला सेल है स्पेशली सेंटर वाला सेल, ये क्या है? एग सेल। ठीक है, और स्पेशली हमें एक और बात भी पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, फिंगर लाइक फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस। अच्छा, अब इंडिविजुअली एक एक का फंक्शन और पढ़ लेते हैं, हालांकि हमने कल पढ़ लिया था लेकिन उसको थोड़ा सा कन्फर्म भी हो जाएगा वो, और हमें याद भी रहेगा। ठीक है, तो एक एक का फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक सेकंड, हाँ, एंटीपोडल्स। तो एंटीपोडल्स जो होते हैं, सबसे पहले तो एंटीपोडल्स वो अपोजिट पोल्स पे रहते हैं। तो ये वाला ऑब्वियसली हमारा कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड है, सॉरी माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये वाला कौन सा एंड है? चलाजल एंड। तो ये चलाजा के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चलाजा और एंटीपोडल्स, चलाजा और एंटीपोडल्स वो एक साइड होते हैं। ध्यान बस ये रखना है, एंटीपोडल्स का बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल नहीं है, बस इतना है कि ये गाइड करता है एक तो पोलन ट्यूब के एंट्री को, और सेकेंडली जब ये डिस्पोज ऑफ और जब ये डीजनरेट होगा तो ये एंडोस्पर्म में मिक्स हो जाएगा एंड फाइनली इट विल बिकम द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाएगा। ये जो पोलर न्यूक्लियाइज हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, ये बेसिकली काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे होगा हमारा ट्रिपल फ्यूजन। क्या होता है यहाँ पे? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब यहाँ पे एक मेल गैमीट और आएगा,
तो मेल गैमीट ऐड हो जाता है, फिर तीन फ्यूज कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तीन न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है उसको। और ट्रिपल फ्यूजन को ही हम कहते हैं कि जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक हमारा फ्यूजन, एक जो न्यूक्लियस है मेल गैमीट का, वो एग के साथ फ्यूज होता है। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, दूसरा होता है पोलर न्यूक्लिया के पास। इसीलिए हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। दोबारा से समझाता हूँ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किससे रिलेटेड है, मेल प्लस फीमेल इन दोनों का जब फ्यूजन होता है। हम केवल फ्यूजन की बात कर रहे हैं, जायगोट फॉर्मेशन तक हमें जाना ही नहीं है, केवल फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो एक फ्यूजन, जैसा कि तुम देख सकते हो कि एक फ्यूजन हुआ है यहाँ और एक फ्यूजन हुआ है यहाँ, तो दो बार फ्यूजन हुआ है, दैट मीन्स दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, मतलब यहाँ पर एक दो और तीन, तीन न्यूक्लियसेस है, दैट्स वाई ट्रिपल फ्यूजन। देखो जो ये हमारा एग है और सिनर्जिड है, सो एग प्लस सिनर्जिड ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ये मिलकर के बनाते हैं एग एपरेटस। क्या बनाते हैं मिलके, एग एपरेटस। तो यानी कि एग एपरेटस और कुछ नहीं, दरअसल एग और सिनर्जिड्स दोनों का मिक्सचर है, जो सिनर्जिड्स और एग है, एग एपरेटस बेसिकली। सो सिनर्जिड और एग मिलकर क्या बनाते हैं, एग एपरेटस। अभी जो एग एपरेटस है इसका क्या फंक्शन है, एक्चुअली में ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम्ब्रियो सैक का, पूरे एम्ब्रियो सैक का। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको समझ लेते हैं। देखो जो भी हमारा ये एग हो गया और एग के आसपास सिनर्जिड्स रहते हैं ना, ये हमने बोला था एग के आसपास सिनर्जिड्स है, इस तरीके से सिनर्जिड्स रहते हैं। अब इन सिनर्जिड्स के पास में ही क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस और सिनर्जिड्स का क्या फंक्शन है, ये सब आपस में क्यों रिलेटेड है। देखो यहां पर ये है एग, मेन इनका मोटिव है कि एग को क्या मिलना चाहिए, एग को मिलना चाहिए मेल गैमीट। क्या मिलना चाहिए, मेल गैमीट मिलना चाहिए। तो होता ये है कि जो सिनर्जिड्स है, जो सिनर्जिड्स है वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, जैसे ही एम्ब्रियो सैक मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है, एम्ब्रियो सैक जैसे ही मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है, उस टाइम पे सिनर्जिड्स डीजेनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होने लगते हैं, डीजेनरेट। तो यानी कि एम्ब्रियो सैक को हम मैच्योर कब मानेंगे, जब उसमें सिनर्जिड्स डीजेनरेट होने लगे, यानी कि वो खत्म होने लगे। ओके उस टाइम पर ही पोलन ट्यूब अपनी एंट्री शो करती है, मतलब एंट्री जो होगी पोलन ट्यूब की वो तभी होगी। ठीक है। उस पोलन ट्यूब के अंदर दो न्यूक्लियसेस होते हैं। ठीक है। हालांकि इसमें से कॉन्सेप्ट काफी कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, पर कोई बात नहीं। तो एक न्यूक्लियस तो यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक जो है वो ट्रिपल फ्यूजन करेगा, जो यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं और एक के साथ फ्यूज करेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रहता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है। देखो ध्यान से समझो कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो है उसका फंक्शन ये है कि इट विल गाइड, वो गाइड करेगा किसको, पोलन ट्यूब को। तो पोलन ट्यूब को गाइड करना कि भाई डीजनरेट यहाँ से, ये सिनर्जिड जो है वो यहाँ से डीजनरेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस को इस साइड से एंट्री करनी है, पोलन ट्यूब को इस साइड से एंट्री करनी है। तो ये बात कौन बता रहा है, फिलीफॉर्म एपरेटस। सो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है, गाइड करना किसको, पोलन ट्यूब को। ठीक है। तो पोलन ट्यूब को गाइड करा जाएगा कि भाई इस साइड से आना है। फाइनली जो उसका ये न्यूक्लियस है ग्रीन कलर का, वो जो न्यूक्लियस है वो फाइनली एग के साथ पहुंचेगा और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा और जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। अब इन दोनों का क्या होगा, फिर ये दोनों पूरी तरीके से फिर डीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे जब फर्टिलाइजेशन एक बार हो गया तो। ठीक है। और बाकी होगा क्या होगा, यहाँ पे तो हो गया ट्रिपल फ्यूजन, इसमें तो हो गया ट्रिपल फ्यूजन, राइट। ट्रिपल फ्यूजन के बाद
क्या बनेगा? ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। बस इतना पता होना चाहिए फिलहाल, बाकी इसका पूरा डेवलपमेंट जो हम पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ते हैं जब पॉलिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि सिनर्जिड्स क्या होते हैं। सिनर्जिड एक्चुअली में गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। किस तरीके से गाइड करते हैं? मैंने बता दिया, डीजनरेट होकर के। जब वो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो गया और फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो गाइड करता है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब को कि किस तरीके से किस साइड से एंटर करना है और फाइनली उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक, क्या कहा मैंने? टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एक एंजियोस्पर्म का जो होता है उसमें उसकी स्टेज क्या रहती है? उसकी स्टेज रहती है वो 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल्ड होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली है, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, ओके। अब इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन क्या है? देखो, पॉलिनेशन इज नथिंग बट द गैमीट ट्रांसफर, जो एक हमने पढ़ा था यहाँ पर बहुत पहले, तो सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में गैमीट ट्रांसफर हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो गैमीट ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन, यानी कि गैमीट्स का हमें बेसिकली जब ट्रांसफर करना हो तब हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है और अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है समझते हैं। पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी हमने लोअर क्लासेस में, क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और अदर फ्लावर। यानी कि सेम फ्लावर पे भी हो सकता है पॉलिनेशन और डिफरेंट फ्लावर पे भी हो सकता है। तो सेम या अदर फ्लावर पे बेसिकली एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन कहाँ पे लैंड हो गए हैं? स्टिग्मा पे। इसके ट्रांसफर को, ये ट्रांसफर हुआ है इसको हमने क्या बोला है? पॉलिनेशन। अब ये जो ट्रांसफर का जो मेथड है ये कैसे भी करा लो आप, और किसी पे भी करा लो, सेम फ्लावर पे करा लो, अदर फ्लावर पे करा लो, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे करा लो, या दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पे करा लो, ठीक है। तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सबका सब पॉलिनेशन ही होता है। तो पॉलिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों रिक्वायरमेंट है? पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि आपका जो गैमीट्स है दोनों के दोनों गैमीट्स, दैट मीन्स एग प्लस पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमीट होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोनों को पास लाना जरूरी है, फिजिकल एसोसिएशन दोनों का वो जरूरी है। जब तक दोनों का फिजिकल एसोसिएशन नहीं होगा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों का फिजिकल एसोसिएशन नेसेसरी होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब कैसे होता है पॉलिनेशन और किस किस तरीके से होता है वो पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे काइंड्स, या फिर इसको बोल सकते हैं टाइप। हम यहाँ पर सेल्फ और क्रॉस नहीं पढ़ने वाले क्योंकि सेल्फ और क्रॉस जो होता है वो जनरली इट्स काइंड ऑफ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर लोअर क्लासेस। हम क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए हैं तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो हमने क्या करा, चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करा, और हमारे पास सबसे पहली टर्म आती है अब ऑटोगैमी। ये बेसिकली हम डिवीजन जो कर रहे हैं ना, ऑटोगैमी, जीनोगैमी और मतलब और आएगा, एक दो और आएंगे, तो वो बेसिकली है सोर्स ऑफ पॉलन, मतलब कहाँ से आ रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑटोगैमी, फिर उसके बाद आता है जीनोगैमी और एक तीसरा आता है जीटोनोगैमी। ठीक है, तो ये तीन टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। तीनों टाइप के पॉलिनेशन में अलग अलग, मतलब ये अलग अलग है दोनों सबके सब। कैसे अलग है अभी बात करते हैं इसके बारे में, ओके। ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी क्या होती है? देखो, ऑटोगैमी बहुत सिंपल है। ऑटोगैमी में हम क्या करा रहे हैं, सेम फ्लावर होना चाहिए और हम सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर करा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, एक तो
सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे हम ट्रांसफर करा रहे हैं, ठीक है, दैट्स बेसिकली ऑटोगैम। ठीक है, अब यहां पे ऑब्वियसली एक एनसीईआरटी में बात दे रखी है जो कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, और वो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का कि ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स, मतलब जिसमें ऑटोगैमी होती है, इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी। उसमें एक टर्म दिया गया है सिंक्रोनी, सिंक्रोनी। तो सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज, मतलब कि पॉलन यानी कि एंथर का रप्चर, पॉलन का रिलीज, एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी कि स्टिग्मा को रिसीव करने की उसकी रिसेप्टिविटी, रिसीव करने की जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो दोनों क्या होने चाहिए, सिंक्रोनी में होने चाहिए, यानी कि सिंक्रोनाइज होने चाहिए। सिंक्रोनाइज मतलब है सेम टाइम, बेसिकली सेम टाइम पे होना चाहिए, मतलब कि एंथर का रप्चर और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वो ऐसे होना चाहिए कि जब रैप्चर हुआ तो स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया और रिसीव करते के साथ ही वो ग्रोथ भी दिखाने लगा। ऐसा नहीं है कि रिसीव तो कर लिया पर ग्रोथ नहीं शो कर पा रहा क्योंकि स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों फ्लावर्स कैसे होने, स्टिग्मा और एंथर क्या होने चाहिए, सिंक्रोनी में होने चाहिए। ठीक है, तो एक टर्म दे रखी थी वो हमने पढ़ ली। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कि ऑक्सालिस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ऑक्सालिस है, फिर एक दे रखा है कॉमलाइना, तो वो वाले हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ऑटोगैमी में दो और चीज़ें दे रखी हैं, क्या, देखो ऑटोगैमी को हम दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि ये बाद में उसमें पार्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑटोगैमी में पहले आ गया तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ऑटोगैमी में दरअसल दो टाइप्स होते हैं, एक होता है चैस्मोगैमी, ठीक है, और एक होता है क्लिस्टोगैमी। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें चैस्मोगैमी होती है उसको बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर और या फिर क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में फ्लावर्स ही हैं, तो ये कौन से फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। चैस्मोग्लैमस गैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो होते हैं ओपन टाइप, मतलब कि खुले हुए होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, बंद, बिल्कुल, ये क्लोज्ड टाइप है। क्लोज्ड टाइप का मतलब क्या है, क्लोज्ड टाइप का मतलब है ये एक डंडी है फ्लावर की, ये फ्लावर खुला हुआ होना चाहिए था, राइट, लाइक दिस, इस तरीके से खुला हुआ होना चाहिए था। यहाँ पे एंथर हो गया और यहीं ये मान लेते हैं ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, और यहाँ पे पेटल्स वगैरह आ गए, है ना, इस तरीके से फ्लावर होना चाहिए था। लेकिन ये फ्लावर खुला हुआ है, ओपन है, लेकिन एक क्लोज्ड फ्लावर कैसा होता है, ये इस टाइप का एक क्लोज्ड फ्लावर, जैसे कली होती है, तो लेकिन ये कली नहीं है एक्चुअली में, पेटल्स जो हैं ये पेटल्स ही हैं आपके, लेकिन ये पेटल्स जो है मिक्स्ड अप पूरे यहाँ से बंद है, खुला हुआ नहीं है। तो खुला हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है तो सब कुछ, पेटल भी है, ये रहा आपका एंथर, ये एंथर भी है, यहाँ पे स्टिग्मा भी होगा, सब कुछ है, लेकिन ये फ्लावर खुला नहीं, ओपन अप नहीं है, क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है, ताकि इसके पॉलन ग्रेन्स बाहर नहीं चले जाए। जब पॉलन्स बाहर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या इंश्योर करता है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो इंश्योर्स सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जो चैस्मोगैमस है ये ओपन है दोनों चीजों के लिए, ओपन टू बोथ। अब इसमें आप चाहो तो सेल्फ पॉलिनेशन करा लो, चाहे तो इसमें क्रॉस करा, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि ओपन है। लेकिन जो क्लोज्ड वाला फ्लावर है उसमें तो हमने स्ट्रिक्टली एंश्योर कर दिया कि भाई तुम्हें सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है, उसके बाहर तो तुम जा ही नहीं सकते, है ना। सो दिस इज द केस हियर क्लिस्टोगैमी में, ठीक है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाने वाला है, बस इतना सा पता होना चाहिए कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होता है और चैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, मतलब कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बार बताओ, वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस
कहां हमें मिलेंगे जेनेटिक वेरिएशन, चैस्मोगैमस फ्लावर में या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जेनेटिक वेरिएशन? सर चैस्मोगैमस में मिलेंगे। एग्जैक्टली, तो यहीं पे हमें मिलेंगे वेरिएशंस, यहां पे हमें नो वेरिएशंस। क्यों क्यों नहीं मिलेंगे लो नो वेरिए मतलब कोई भी वेरिएशन क्यों नहीं मिलेगा? यस बेटा आस्था, क्यों नहीं मिलेगा कोई भी वेरिएशन? सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है। हाँ, क्योंकि इसमें केवल और केवल सेल्फ पोलिनेशन है, क्रॉस नहीं है। क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन नहीं है दैट मींस जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा, जब वो एक्सचेंज नहीं होगा दैट मींस नो वेरिएशन एट ऑल। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अब हमने पढ़ लिया ऑटोगैमी में दो तरीके के केसेस हो सकते हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर भी हो सकता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी हो सकता है। ओके, हमें बेसिकली यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसमें भी सेल्फ हो सकता है, हमने ये बात करी है। क्रॉस भी पॉसिबिलिटी है बट सेल्फ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने ऑटोगैमी में पढ़ लिया। अब आता है ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी जो ये एक टाइप का जो पॉलिनेशन है, इसमें क्या है देखो, इसमें ये एक्चुअली में असली का क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन तो है लेकिन इसमें क्या खास बात है, जो एंथर और स्टिग्मा रहता है, एंथर से जो स्टिग्मा रहता है ये अलग अलग प्लांट रहेंगे, यानी कि ये रहेगा प्लांट वन और ये रहेगा प्लांट टू। तो ये इंश्योर करना कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा है, मतलब दूसरे प्लांट में ही जा रहा है, वो है ज़ीनोगैमी। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, मतलब हमने प्लांट ही चेंज कर दिया, फ्लावर की बात नहीं कर रहे, फ्लावर तो दूसरा है ही है लेकिन प्लांट भी चेंज हो गया। प्लांट क्यों चेंज हुआ? क्योंकि अगर हम सेम फ्लावर की बात वो सॉरी डिफरेंट फ्लावर की बात कर रहे हैं लेकिन प्लांट सेम हो गया तो मतलब जेनेटिक मटेरियल भी सेम हो गया। ठीक है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल भी सेम हो गया, तो यहाँ पे प्लांट चेंज कर दिया मतलब जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया। तो यानी कि ये इंश्योर करना कि इस केस में वेरिएशंस 110% आएंगे, तो वेरिएशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अच्छा, अब ज़ीनोगैमी अगेन ये एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, ये एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन इसमें हमने क्या करा, एंथर लिया, स्टिग्मा लिया, तो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर भी हुआ लेकिन ये दोनों सेम प्लांट पे थे, फ्लावर अलग अलग लेकिन प्लांट सेम रहा। तो यहां पे वेरिएशंस आएंगे क्या? हाँ भाई, वेरिएशंस आएंगे नहीं आएंगे? बताइए वेरिएशंस आएंगे नहीं आएंगे? यस सर, आएंगे। आएंगे, ओके। आदित्य, तो सर सेम प्लांट, देखो प्लांट सेम है तो जेनेटिक मटेरियल सेम है, जब जेनेटिक मटेरियल सेम है तो इसका मतलब वेरिएशंस कैसे आ जाएंगे? वेरिएशंस नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हमें नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत आ गया वो बात अलग है लेकिन वो भी नहीं आ पाएगा वैसे तो, लेकिन लेट्स से किसी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से कॉपिंग में कॉपिंग में कमी रह गई या कुछ भी, सो वेरिएशंस नहीं रहेंगे। ठीक है, या नल के बराबर रहेंगे या जीरो के बराबर रहेंगे। सो वेरिएशंस हमें अच्छे से देखने को किस में मिलेंगे? ज़ीनोगैमी। ठीक है, एक क्वेश्चन है एम्स का, एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने लास्ट बार जब पढ़ाया था ये तब भी बताया था कि ज़ीनोगैमी और ज़ीटोनोगैमी इन दो पे रिलेटेड क्वेश्चन था और ये पूछा गया था कि हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन है जेनेटिकली और कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन है इकोलॉजिकली? इकोलॉजी
मतलब इकोलॉजिकल टर्म्स में, इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट, ठीक है, तो एनवायरमेंट के टर्म्स में कौन सा क्रॉस पोलिनेशन है, और जेनेटिक्स मतलब कि डीएनए और वेरिएशन से रिलेटेड कौन सा वेरिएशन है ट्रू सेंस में। तो ट्रू सेंस में या जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन कौन सा है जिसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, कौन सा है वो, जीनोगैमी या जीटोनो? बोलो बोलो। तो ये एक्सोगैमी होगा। बिल्कुल, इसमें तो जीनोगैमी, जीनोगैमी में वेरिएशन देखने को मिलता है, इसका मतलब ये क्या है, जेनेटिकली ये है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, और होता तो इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये वाला जो है इसमें जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब कि जीन्स एक्सचेंज नहीं हो रही क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं आ रहे थे, है ना, हमने यही पढ़ा था अभी कि इसमें वेरिएशंस नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसमें वेरिएशंस नहीं थे, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन तो है लेकिन ये कैसा है, इकोलॉजिकली, कैसा है ये, इकोलॉजिकली। हालांकि जो जीनोगैमी वाला है ये जेनेटिकली भी है प्लस ये इकोलॉजिकली भी है, ये दोनों है, लेकिन ये वाला जीटोनोगैमी यानी कि सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स, वो केवल इकोलॉजिकली यानी कि एनवायरमेंट में हमें देखने पे ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें क्रॉस पोलिनेशन हुआ है, लेकिन क्योंकि प्लांट सेम है तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, यानी कि जेनेटिकली इट्स नॉट अ क्रॉस पोलिनेशन। इकोलॉजिकली एनवायरमेंट के, अगर हम एनवायरमेंट स्टडी कर रहे हैं उस सेंस में, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स का मतलब क्या होता है? एजेंट्स का मतलब है बेसिकली कैरियर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कैरियर। कैरियर की स्पेलिंग आई थिंक आई ई आर यही होती है ना, कैरियर, ओके, कैरियर मतलब जो लेके जाएगा बेसिकली, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कैरियर। तो कैरियर की बात कर रहे हैं कि कौन लेके जा सकता है। अब एजेंट्स जो होते हैं वो आपके दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिए, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कैसे? हमने कहा कि या तो वो जो फैक्टर हो सकता है जो लेके जा रहा है आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है, या तो वो बायोटिक होगा, बायोटिक मतलब या तो वो लिविंग हो सकता है और या फिर वो एबायोटिक हो सकता है, यानी कि वो नॉन लिविंग हो सकता है, ठीक है। अगर वो बायोटिक हुआ मतलब अगर वो लिविंग हुआ तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि दैट कुड बी लाइक एनी काइंड ऑफ बर्ड, चिड़िया के थ्रू हो सकता है, एनी काइंड ऑफ बैट या फिर इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, या फिर कुछ फ्लावर्स हैं जो एलिफेंट्स के थ्रू होते हैं, एलिफेंट्स के, मतलब इट कुड बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जो कॉमन वंस कौन कौन से हैं, ये तीन, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन ये तीन ही है। नॉन लिविंग में हमारे पास सबसे कॉमन आता है विंड, फिर आता है वाटर, और बता सकते हो कोई सर? विंड, वाटर और इंसेक्ट। इंसेक्ट तो लिविंग हो गए, इंसेक्ट तो लिविंग हो गए, एनी अदर, और कोई सा? और कोई तो नहीं लग रहा। देखो एयर तो हो गया, विंड ये तो एयर में आ गया, एक सॉइल के थ्रू, कभी कभी सॉइल के थ्रू, ये बहुत रेयर होता है, और हालांकि ये इतना ज्यादा रेयर है कि हम इसको कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन किसी किसी साइंटिस्ट ने ये आर्ग्यू करा है कि कहीं कहीं सॉइल के थ्रू भी होता है, फिर उसका प्रोसेस बहुत डिटेल में जाके होता है कि भाई सॉइल पे वो पॉलन ग्रेन गिर गया और फिर वो पॉलन ग्रेन सर्वाइव करता रहा, फिर कुछ टाइम बाद सॉइल इरोजन हुआ, या फिर वो सॉइल सॉइल के पार्टिकल्स माइग्रेट कर गए फॉर एक्स वाई जेड रीज़न, उसके साथ वो पॉलन ग्रेन चला गया, और बहुत सारे अजीब अजीब से रीजन्स होते हैं उसके, तो वो चीज़ हम यहाँ स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि हमें बेसिकली आइडिया चाहिए एजेंट्स का, है ना, डिस्कशन तो नहीं है ये, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, अब बात करते हैं बायोटिक। तो बायोटिक में हमें बेसिकली कंसिडर करना है लिविंग को। तो बर्ड्स जो है वो पॉलिनेशन के लिए
उसके अगर हमें पता करना है कि बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स की खास बात होती है क्या, बर्ड्स उस फ्लावर के पास जाती हैं जो ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, जो ज़्यादा ब्राइट। तो यानी कि हमें बर्ड्स को अगर अट्रैक्ट करना है किसी फ्लावर को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पेटल्स बहुत ज़्यादा ब्राइट करने पड़ेंगे, ठीक है। इनका स्मेल से कोई लेना देना नहीं होता, तो स्मेल चाहे तो हो चाहे तो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्मेल की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। जो बैट्स हैं, बैट्स को स्मेल भी चाहिए, बैट्स को एग ले करने के लिए जगह चाहिए, या फिर बेसिकली कोई सी किसी भी तरीके का स्पेस, या फिर एक ऐसा फ्लावर होना चाहिए जो फ्लावर प्रोवाइड करता है एक स्पेस फॉर लिविंग, वो स्पेस प्रोवाइड करता है रहने के लिए, लेकिन इंसेक्ट्स को, अगर वहाँ पे इंसेक्ट रहते हैं तो बैट उसको खाने के लिए आ सकता है, और बैट के बॉडी पे उसका पर्टिकुलर पॉलन गेन लग सकता है। तो दैट्स हाउ डिफरेंट फ्लावर्स कैन अट्रैक्ट इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के केस में बेटा फ्लावर तो चाहिए ही चाहिए, फ्लावर को ब्राइट तो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्लावर ना कट, फ्लावर को कट कर देते हैं, कि फ्लावर तो है ही हर एक में, क्योंकि पॉलिनेशन करा रहे हैं तो फ्लावर तो हो गई। ब्राइट, यहाँ पे ब्राइट फ्लावर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में हमें स्मेल भी चाहिए, फ्रेग्रेंस भी चाहिए, और साथ में नेक्टर भी चाहिए। क्यों चाहिए नेक्टर? हाँ भाई, कोई बता सकता है? नेक्टर, NECTER, नेक्टर, नेक्टर क्यों चाहिए? नेक्टर दरअसल क्या होता है, रिवॉर्ड। इंसेक्ट्स बिल्कुल खाना नेक्टर से तुम नाते हैं, बिल्कुल। जैसे कि आपकी मधुमक्खी हो गई, तो मधुमक्खी को जब वो फूलों पे जब वो घूमती रहती है, तो वो एक्चुअली फूलों पे क्यों घूम रही है? क्योंकि वो नेक्टर कलेक्ट कर रही है। तो जो जूस टाइप का एक कलेक्ट कर रही है नेक्टर, फ्लावर्स को ये नेक्टर ऑफर करना पड़ता है। अगर ये नेक्टर ऑफर नहीं करेंगे तो इंसेक्ट उसके पास आएगा ही क्यों, है ना। तो ऐसे होता है स्मेल, स्मेल का और भी होता है, ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट में केवल और केवल यही है। एक हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हैं, नहीं बल्कि इस चैप्टर के लास्ट में नहीं है, वो जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तब उसमें एक पर्टिकुलर केस आता है, जिसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर है वो क्या करता है, फीमेल वॉस्प से रिजेंबल करता है। मतलब है कि इंसेक्ट है तो वो पॉलिनेशन कर सकता है, लेकिन जो फ्लावर है वो क्या करता है, अपने स्टिग्मा को, जो उसका स्टिग्मा होता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि जो इंसेक्ट होता है, जो इंसेक्ट है उसको लगता है कि ये फीमेल है। इंसेक्ट को क्या लगा कि ये फीमेल है, और वो क्या करता है, फीमेल के साथ सूडो पॉपुलेशन करता है, ठीक है, फीमेल के साथ सूडो कॉपुलेशन करता है। वो फीमेल के साथ कॉपुलेट यानी कि ब्रीडिंग करता है, सोच करके ये फीमेल है, तो एक्चुअली में वो फीमेल होती नहीं है, वो होता है स्टिग्मा। इस तरीके से उस वॉस्प को, मेल वॉस्प को डिसीव यानी कि धोखा दिया गया कि ये फीमेल है, ठीक है, और फिर फाइनली जो ड्यूरिंग द सूडो कॉपुलेशन उसमें जो स्टिग्मा उसकी बॉडी के ऊपर होता है, मेल वॉस्प की बॉडी पे, वो फीमेल जो ये वाला स्टिग्मा होता है उस पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो इंसेक्ट बेस्ड प्लांट्स रखते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। इन केस ऑफ विंड, अगर हम विंड वाले पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन्स की बात करें या फ्लावर्स की बात करें, तो ऐसे फ्लावर्स होने चाहिए सबसे पहले तो जो ऑब्वियसली कब ओपन अप हो, कब मैच्योर हो, जब विंडी सीजन चल रहा हो। विंड कब चलती है? ऑब्वियसली रेनी सीजन में तो चलती नहीं है, तो हमें कैसा मौसम चाहिए, जो ड्राई हो, सूखा, जब लुए चलती हैं। तो जब लुए चलती हैं तब हमें ऐसे फ्लावर्स फ्लरिश या ब्लॉसम करने चाहिए, ठीक है। प्लस पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट। अगर पॉलन ग्रेन्स लाइट नहीं होंगे, भारी होंगे, तो वो हवा में फ्लो नहीं करेंगे, हवा में फ्लो नहीं करेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, पास में गिर जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो प्लांट को रखने पड़ते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को क्या होना पड़ेगा, लाइट होना पड़ेगा वजन में, ठीक है। वो है, अब लाइट कैसे हो सकता है, वो लाइट हो सकता है अपने आप में एक ऐसा कोई भी फर डेवलप करके, या पर्टिकुलर कोई ऐसा स्ट्रैंड्स डेवलप कर ले कि जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा फ्लफीनेस आ जाए, या फिर वो थोड़ा सा
एयर की जो मतलब एयर जो है उसके अंदर वो ज़्यादा भर जाए, ठीक है। ओके, इन केस ऑफ वाटर, अगर वो वाटर से हो रहा है, मतलब जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है, ज़्यादातर वाटर के थ्रू होता है वाटर प्लांट्स में, मतलब कि वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये सरफेस ऑफ वाटर है, तो सरफेस ऑफ वाटर पे जो प्लांट्स होते हैं तो उनका जनरली जो फ्लावरिंग प्रोसेस होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, मतलब जो फ्लावर है यहाँ पर वो ये पूरा प्लांट रहेगा लेकिन इसका फ्लावर ऊपर रहेगा और ऐसे ही रहेगा दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर, ठीक है। और इसमें जो ये ट्रांसफ़र होगा पोलन गेन, ये रहा पोलन गेन जो होगा वो पहले पानी में गिरेगा, पानी में वेव्स के थ्रू ये यहाँ पर पहुँच जाएगा इस तक और फाइनली दिस विल गेट पॉलिनेटेड, मतलब यहाँ पे पॉलिनेशन इस तरीके से वाटर के साथ हुआ। तो वाटर करंट्स आर रिक्वायर्ड हियर। अगर बिल्कुल स्टैग्नेंट रुका हुआ पानी हुआ तो उसमें तो पॉलिनेशन की कोई बात ही नहीं होती, है ना। तो उसमें हमें क्या चाहिए, बेसिकली बहता हुआ पानी चाहिए, तो और एटलीस्ट मूविंग वाटर तो लिख ही सकते हैं कि मूविंग वाटर चाहिए। और क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन हल्का होना चाहिए, अगर वो डूब गया नीचे तो फिर कोई फायदा नहीं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में पता होने चाहिए। अच्छा, विंड पॉलिनेशन की एक खास बात यहाँ पर ये है कि विंड पॉलिनेशन जनरली क्या होता है, ग्रासेस में होता है। किसमें होता है, ग्रासेस में, ग्रासेस जैसे कि वीट, जैसे कि मेज, तो विंड पॉलिनेशन उनमें क्वाइट कॉमन है, ठीक है। ये लाइन एनसीईआरटी से है तो दैट्स वाई इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में कॉमन होता है, ठीक है। कुछ वाटर के प्लांट्स के नेम भी गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, जैसे कि वैलीसिनेरिया, वैली वी ए डबल एल वैलीसिनेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक है। ये दो प्लांट्स हैं जो कि वाटर प्लांट्स हैं और बेसिकली ये हमें मिलते हैं फ्रेश वाटर में ज़्यादातर, और वाटर के थ्रू इनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि ब्रायोफाइट्स में, जो ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो वो एम्फीबियंस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उसमें जो एंथीरोजोइट्स, जो मैंने 11th क्लास में पढ़ा था, जो एंथीरोजोइट्स वगैरह या जो ब्रायोफाइट्स में पर्टिकुलर जो उनके जू स्पोर्ट्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स हैं बेसिकली, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, थ्रू द वाटर ओनली, है ना। तो वो केसेस भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है केस ऑफ एजेंट्स कि कौन कौन से एजेंट्स और किस तरीके से वो किस तरीके से मतलब वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, इसके बाद आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखो यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, आउटब्रीडिंग, आपने ब्रीडिंग पढ़ा होगा, ब्रीडिंग मींस रिप्रोडक्शन, राइट। ब्रीडिंग का मतलब तो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये आउटब्रीडिंग क्या है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं टर्म को। तो ब्रीडिंग इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, एक्चुअली में हम रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट आउट। आउट का मतलब है कहीं बाहर से, ठीक है। तो बाहर से का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम एक्चुअली में किसी ऐसे पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास कोई प्लांट है, लेट से प्लांट वन, इस प्लांट वन को हम क्रॉस कराना चाह रहे हैं पॉलिनेशन, ऑब्वियसली क्रॉस मीन्स पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाह रहे हैं, लेकिन जो जो जिस प्लांट से कराना चाह रहे हैं वो प्लांट यहाँ का नहीं है, वो प्लांट किसी फॉरेन लैंड का या किसी ऐसी जगह का प्लांट है जिसके अंदर, इस प्लांट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे और इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स हैं। तो ये प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छा प्लांट है, काफ़ी अच्छा मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब देखने में अच्छा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छा है। मीनिंग लेट से अगर हमने क्रॉप्स की बात करी तो क्रॉप में इसकी ईल्ड ज़्यादा है, ठीक है, इसकी ईल्ड ज़्यादा है, इसकी प्लांट की रेजिस्टिविटी जो है इंसेक्ट्स के लिए वो ज़्यादा है, टेम्परेचर टॉलरेंस वो ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस को टॉलरेट कर सकता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स की वजह से ये प्लांट क्या बन जाता है, ज़्यादा सुपीरियर बन जाता है, मतलब ज़्यादा क्वालिटीज़ में अच्छा है।
तो जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई और फाइनली जब फर्टिलाइजेशन मतलब पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बन गया, तो वो जो सीड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? हाई क्वालिटी का होगा, है ना? वो कैसा होगा? हाई क्वालिटी का। तो वो ऐसे सीड्स को हम प्रोड्यूस करने के लिए, हाई क्वालिटी के लिए, हम ये एंश्योर करते हैं कि प्लांट वन को हम प्रिजर्व रखें, मतलब कि इसका ध्यान रखें कि इसको हमें अपने हिसाब से एक स्पेशल प्लांट से ही रिप्रोड्यूस कराना है। इसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग। ये आउट ब्रीडिंग हमने टर्म यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हमने इसको ब्रीडिंग करके इसको इसके नॉर्मल फीचर से बाहर निकालने की कोशिश करी है, इसको एक सुपीरियर क्वालिटी देने की कोशिश करी है। तो इसके जो नॉर्मल लीग्स से इसको आउट निकाला है, बाहर निकाला है, दैट्स व्हाई आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इसका एक उल्टा भी होता है, दैट्स कॉल्ड इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग भी होता है जो कि हमारे बाद में चैप्टर्स में काम आएगा। तो इन ब्रीडिंग क्या होता है? इन ब्रीडिंग होता है बेटा, यहाँ पे तो हमने कराया किसी बहुत फॉरेन लैंड या फिर किसी दूसरे किसी प्लांट से जो कि कहीं और पाया जाता है, राइट? लेकिन इन ब्रीडिंग उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इस बार हम प्लांट वन की क्रॉसिंग किससे करा रहे हैं? प्लांट वन की क्रॉसिंग करा रहे हैं लेट्स से प्लांट टू से, और ये प्लांट वन और प्लांट टू आपस में क्लोजली रिलेटेड है, आपस में क्लोजली रिलेटेड है। और क्योंकि आपस में क्लोजली रिलेटेड है तो उसके लिए हम बोल देते हैं क्लोज रिलेटिव्स। एनिमल्स में हम यूज करते हैं क्लोज रिलेटिव्स और प्लांट्स में हम यूज करते हैं क्लोजली रिलेटेड, मतलब ये आपस में रिलेटेड है, इनका जेनेटिक मटीरियल लगभग लगभग सेम है। तो उसमें क्या होता है? इन ब्रीडिंग हो जाती है, यानी कि फीचर्स जो इनके नॉर्मल फीचर्स होते प्लांट वन के और प्लांट टू के, वो दरअसल उससे भी नीचे आ जाते हैं, यानी कि जो सीड प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज़्यादा लोअर क्वालिटी का होगा। तो उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब इन ब्रीडिंग की वजह से डिप्रेशन, लोअर क्वालिटी प्रोड्यूस हो गई क्योंकि हमने क्लोज रिलेटिव्स के बीच में क्रॉसिंग करा दी। ठीक है, ऐसा जनरली आप बायोलॉजी में काफ़ी जगह पढ़ोगे, जब आप मतलब आगे स्टडी करोगे अपने बायोलॉजी में, तो ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें आर्कियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं इजिप्ट में, जब हम इजिप्शियंस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इजिप्शियंस में खास करके एक रूल था कि वो उनके बीच में क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होती थी, मतलब भाई बहन में, मोस्टली रिलेटेड कजन्स उसमें भी। क्यों? ताकि जो सत्ता है या जो किंगडम है वो बट ना जाए या किसी फॉरेन किसी राजा के हाथ में ना चला जाए। तो दैट वॉज इन ब्रीडिंग, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं उसके लिए हम डिवाइसेस यानी कि मेथड्स अपनाते हैं। तो कौन कौन से वो मेथड्स हैं? बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। सो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के हमारे पास कुछ मेथड्स हो सकते हैं। ओके, कौन कौन से मेथड्स हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रोटैंड्री, प्रोटैंड्री कंडीशन। अब ये प्रोटैंड्री कंडीशन क्या होती है? एक्चुअली में प्रोटैंड्री का मतलब जो है वो हम इसके नाम से पता लगा सकते हैं, जैसे कि प्रोटो, द वर्ड प्रोटैंड्री ये बना है प्रोटो मतलब पहले, फर्स्ट, और एंड्री मतलब एंड्रोशियम, मतलब कि एंड्रोशियम को हमने क्या करा? फर्स्ट, पहले मैच्योर करा दिया, और गाइनोशियम जो है, जो गाइनोशियम है उसका मैच्योरेशन होगा बाद में। ठीक है, तो उसका मैच्योरेशन बाद में हो रहा है और लेकिन इसका पहले हो रहा है, तो इस चीज को हमने क्या कहा? प्रोटैंड्री कंडीशन। ठीक है, क्या कहा इसको? प्रोटैंड्री कंडीशन। तो ऑब्वियसली जब प्रोटैंड्री यानी कि एंड्रोशियम को पहले कराया है तो एक प्रोटोगाइनी भी होगा, बिल्कुल एक प्रोटोगाइनी भी होता है, GNY। ठीक है, प्रोटोगाइनी भी होता है। ऑब्वियसली प्रोटोगाइनी मींस प्रोटो मींस फर्स्ट एंड गाइनी मींस गाइनोशियम, तो गाइनोशियम, इसमें गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने पहले मैच्योर करा दिया और मेल वाला अभी तक मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो इससे हम क्या एंश्योर करा रहे हैं? इससे हम एंश्योर करा रहे हैं कि अगर हमें फीमेल पार्ट का रिप्रोडक्शन कराना है यानी कि ओवरी को फर्टिलाइज कराना है किसी और प्लांट से, हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं चाहते, तो उसके लिए प्रोटैंड्रिक और प्रोटोगाइनी कंडीशन बहुत अच्छा है।
इसमें गाइनोशियम, प्रोटैंड्री में गाइनोशियम मैच्योर नहीं होता, प्रोटैंड्री में सॉरी प्रोटोगाइनी में एंड्रोशियम मैच्योर नहीं होता, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास और भी मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि आ जाता है डिक्लाइनी। अब ये डिक्लाइनी क्या होता है? डिक्लाइनी और कुछ नहीं बेटा, यूनिसेक्सुअलिटी है। फ्लावर को हमने क्या करा, यूनिसेक्सुअल रखा, बाइसेक्सुअल नहीं रखा। ऐसा प्लांट भी यूज कर सकते हैं जिसमें फ्लावर कैसे हो, यूनिसेक्सुअल मतलब कि एक ही सेक्स, या तो मेल या फीमेल, दोनों नहीं हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हम चूज कर सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाले फ्लावर्स, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि लेट से एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक साथ मैच्योर हो गए, मतलब कि एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हैं दोनों, तो ये रहा हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर इसी प्लांट का, इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन गिर गया, लेकिन ये वाला पॉलन ग्रेन क्योंकि ये सेल्फ खुद का है तो ये ग्रो नहीं करेगा, तो सेल्फ के लिए मतलब खुद के फ्लावर के एंथर के लिए क्या है, इनकम्पैटिबल, मतलब कि उसके लिए ग्रोथ वाली कंडीशंस आएंगी ही नहीं अगर वो सेल्फ खुद का ही है तो। अगर वो दूसरे प्लांट से आया है तो उसको ग्रो करा दिया जाएगा, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। ये मेथड जो है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी उसके। ओके, अब इसके बाद आता है एक एक मेथड और है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइल, STYLY, हेट्रोस्टाइल। ये हेट्रोस्टाइली क्या होता है? देखो, हेट्रोस्टाइली का मतलब ये है कि हमने पढ़ा है कि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब हमने क्या करा, स्टिग्मा हमें पता लग गया कि स्टिग्मा यहाँ है, ठीक है, तो हमने क्या करा, एंथर को कहाँ तक रखा, ये एंथर आ गए, ठीक है, एंथर को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दिया, एंथर को यहाँ रख दिया, तो दिस इज अवर एंथर। तो अब आप देख रहे हो एंथर और स्टिग्मा के बीच में एक प्रॉपर वाइड स्पेस आ गया, उसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइल। हमने क्या करा, जो स्टाइल है, स्टाइल का यूज करके स्टिग्मा और एंथर को सेपरेट रखा, दैट्स कॉल्ड हेट्रोस्टाइल, ठीक है। स्टाइल का यूज करके एंथर और स्टिग्मा को सेपरेट रखना, दैट्स कॉल्ड हेट्रोस्टाइल। ओके, एक और भी मेथड है, हालांकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स राइट इट, एंड दैट्स कॉल्ड चैस्मोगैमी। चैस्मोगैमी का मतलब ये होता है चैस्मोगैमस फ्लावर बनाना, मतलब कि ओपन फ्लावर। जब वो ओपन फ्लावर होगा तभी तो क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल है, अगर वो क्लिस्टोगैमस हो गया, बंद फ्लावर हो गया, तो उसमें तो किसी भी तरीके से क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई चैस्मोगैमी इज वन ऑफ द मेथड्स जो कि एंश्योर करता है कि आउट ब्रीडिंग हो जाए, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली हो जाए, ठीक है। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, अच्छा, यहां पे अब आप देख रहे हो कि अगर हमने ये देखा कि हेट्रोस्टाइली जैसे कंडीशन है, अगर इन केस सिंक्रोनी जो है हमारा, या मतलब जो एंथर का जो मैच्यूरेशन है और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, अगर वो सेम टाइम पे हो रही है तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डिक्लाइनी से, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से और हेट्रोस्टाइली से, है ना। तो जो एक कलर से हैं वो एक मतलब वो एक टाइप के हैं, और जो दूसरे कलर से हैं वो दूसरे टाइप के हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर में तो पूछ सकता है।